कार्रवाई जल्दी बन जाती उनके, इसके लिए क्यों नहीं बदली, क्या बात है, इसके पीछे कौन सराना है, ये सामने आना चाहिए। शकील अहमद को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, क्यों? अगर हमारा बच्चे होते कोई बात कोई क्वेश्चन पूछा तो बोलते ये जुर्म है, उन्हें हमारे इमामों को बुरा बोला, जुर्म नहीं है, गवर्नमेंट नहीं देखी, ऑफिसर नहीं देखे, कुछ भी नहीं है, उसको अरेस्ट करना है, उन्हें सब कुछ बोलने का, बाद में अंदर बैठ के माफ कर दो बोले तो माफ कर देंगे उसको। हिजड़े की औलाद, नस्ले हराम, नस्ले यजीद, शुमार का बच्चा, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो शकील अहमद को। आप लोग बातें गुंगे हैं, मैं इतना बोले जा रही हूँ, आप लोग जवाब भी नहीं जानते, पूरा गुंगे है। शकील लाना दी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, शकील लाना दी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सीपी आनंद साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि मैं 3 मकामात पर FIR दर्ज करने के बावजूद भी शकील अहमद लानती को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, इसकी हमको वजह बताई जाए, हमें इत्मीनान दिलाया जाएगा कि पुलिस क्या एक्शन ले रही है। हम इसी बात के मुंतजर हैं, हमने हमेशा पुरअमन प्रोटेस्ट किया है, नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट किया है, हमारा एहतजाज पुरअमन रहता है, इसलिए हमारा मारूदा है कि पुलिस हमें बताए कि उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है। अरे जरा पीछे हटो जी, पीछे हटो, अरे जरा बाजू हटते, जरा साइड में हटो भाई, वीडियो पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो भाई, क्लियर ले लो वीडियो, जाती लोगों ने थोड़ा ऐसा खुलो भाई, अरे मोबाइल कौन है जी, पीछे ले आओ,
दिन नहीं आए, तीनों आए और हमारा किबला लोग सब लोगों आए, हम 100% करते। चार दिन कई को हो रहा है, 15 दिन हुए। वो क्या बोलते आप? सुनो, सुनो आप, सुनो जी, अरे सुनो जी, आप सुनो, आप सुनो जी, अरे आप सुनो जी, मीडिया के सामने आप ऐसा बात करे तो मैं क्या बोलूं? पंडा जी सुन रहे ना साहब, खाली सुनो, मैं बोल रहा हूँ आपको, वही बात बोल रहा हूँ। ओके, भरोसा रखो मेरे पास। अभी कितने दिन में अरेस्ट कर लेंगे साहब? हम करते, हम कैसा करना मन करते। पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं कि वसीम रुश्दी को गिरफ्तार किया जाए और शकील अहमद जो उसी के साथ मिला हुआ है, उसके बयानात से क्लियरली महसूस हो रहा है कि वो उसके साथ मिला हुआ है। जैसे वसीम रुश्दी लोगों में तासुब पैदा कर रहा था, दुश्मनियां पैदा कर रहा था, उसी हिसाब से देखिए ये शकील अहमद भी वही कर रहा है, उसके भी वही मकासद है। जैसे कि वसीम रुश्दी के थे कि लोग आपस में लड़े, और इसी के भी यही मकासद है। जबकि हमने कई बयानात में खुल्लम खुल्ला भी कहा है कि वो उसने हमारे मज़हब के ऊपर टारगेट किया, ये कहकर के वसीम रजवी आपके मज़हब का है। तो ये बात मैं बतला रहा हूँ, बार बार दोहराई है कि सलमान रुश्दी और तस्नीमा नसरीन तुम्हारे फिरके के थे, मगर हमने कभी भी उनका नाम लेकर तुम्हें टारगेट नहीं किया है, और वसीम रुश्दी का नाम लेके हमें टारगेट करना, जबकि हमने कब की उसे मुर्तद करार दे दिया है, और मुर्तद करार दिया है उसका हमारे मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसीलिए हम लोग जिसने कुरान के ख़िलाफ़ कहा, जिसने रसूल के ख़िलाफ़ कहा, और जिसने इमाम ज़माना के ख़िलाफ़ कहा, ये दोनों लोग उनकी गिरफ़्तारी का मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि उन्हें इन दोनों को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए ताकि शहर का माहौल पुरअमन रह सके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वाली।